इस्लाम किस तरह के निज़ाम की ताईद करता है, या इस्लाम की मंशा के मुताबिक निज़ाम कौन सा है? जमहूरी निज़ाम है, इस्लाम जो है, इस्लामी जमहूरी निज़ाम है, इस्लाम जो है इस्लाम का एक शुराई निज़ाम है। इस्लाम किसी को ये हक नहीं देता कि गासबाना तौर पर इख्तदार पर कब्ज़ा कर ले। एक इस्लाम ये नहीं तफसील से बताता कि कोई शख्स इख्तदार में कैसे आएगा, लेकिन इस्लाम गाइडलाइंस देता है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम। एक ये हो गया और एक अंक अद्दुल अमानात इला अहलिया। जी मेरिट, वो तो उसको मेरिट पे आएगा ना। चीज़ ये है कि इस्लाम हमें गाइडलाइन ये देता है कि तुम अपने मामला जो हैं बाहमी मशवरे से तय करो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमानों का अमीर चुना जाएगा, उनकी उस पर जिम्मेदारी होगी। वो कोई बादशाह मुतलक़ुल्इनान बादशाह नहीं चुना जाएगा, एक ज़िम्मेदार बनाया जाएगा, उसको ज़िम्मेदारी दी जाएगी मुसलमानों के मामला की निगरानी की, और वो बाहमी मशवरे से तय होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये तमाम मामलात इसीलिए मतलब बाहमी मशवरे से तय पाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को मतलब एक इमामत पर खड़ा किया था अपने जगह नमाज पढ़ाने के लिए, खलीफा नामजद नहीं माना गया। बाद में लोगों के मशवरे से उनको खलीफा बनाया गया, यानी एक हज़रत उमर ने प्रपोज़ किया और कुछ लोगों ने सेकेंड किया, यानी उनको बैत कर लिया, आप उसको इस तरह कह सकते हैं। और उससे ही फिर ये सिलसिला आगे चला कि शुराई निज़ाम मशवरे से, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है उमर को उन्होंने नामजद एक तरह से किया, लेकिन वो भी मशवरे से था, लोगों से कहा था, पूछा था, लोगों ने एतराज़ात किए थे उनकी नामजदगी पर और उन्होंने उनको मुतमईन किया था। लिहाजा वो तमाम सिलसिला जो चला वो उस यानी कि शुराइयत का शुरा एक चीज़ है, शुराइयत है, शुराइयत है। शुरा का इदारा भी इस तरह नहीं जिस तरह आजकल हमने समझ लिया है कि एक पार्लियामेंट में 300 आदमी एक फिक्स करके बिठा दिए जाए। ये वक्त पर जो एक जिम्मेदार होगा आइंदा के मशवरों के लिए, उसकी सवाबदीद पर होगा कि वो अहल लोगों से मशवरा, मतलब ये इदारे हमारे यहाँ डेवलप हुए ना बाद में, हज़रत उमर के ज़माने में 10 साल के दौरान बहुत से इदारे डेवलप किए उन्होंने। हजूर के ज़माने में कौदरिया अलग नहीं थी, कोई मुकर्रना अलग नहीं थी, लेकिन नबी जो हज़रत उमर के ज़माने तक जब बात पहुँची है तो हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में बहुत सी उनके जो 10 साल का अरसा था बहुत से इदारे उन्होंने डेवलप किए। उन्होंने इसी तरह गवर्नर्स बनाए, उन गवर्नर को कुछ इख्तियारात दिए, उनकी जवाब पुरसी भी होती थी, उनकी अकाउंटेबिलिटी थी, माजूरी भी होती थी। तो ये चीज़ें जो हैं इर्तका करते करते यहाँ तक पहुँच गई हैं। तो वो एक शुराई निज़ाम में अब हमें उस इस्लाम के असूलों पर जो शुरा बनानी होगी वो शुरा बनाई जाएगी, और उनसे मशवरों के लिए भी कुछ कवायद और जवाबित तय किए जाएंगे कि मशवरा कैसे होगा, क्या हाथ खड़े करके मशवरा लिया जाएगा, क्या जो अमीरुल मोमिनीन होगा वो शुरा के मशवरों का पाबंद होगा नहीं होगा। ये सारी बातें जो हैं मौजूदा तनाजुर में तय दोबारा नए सिरे से रिविजिट की जा सकती हैं, इस्लाम के मुताबिक इन असूलों को वज़ा किया जा सकता है। बशर्ते कि नीयत सही। मैं एक बात वजाहत कर दूँ कि मिसाल के तौर देता हूँ इस्लाम में मशवरे की क्या अहमियत है। कि ग़ज़वा अहद के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती राय ये थी कि हम मदीने के अंदर रहकर जंग करें, ये आपकी ज़ाती राय थी। लेकिन नौजवानों का जो मशवरा अक्सरियत में आया तो वो ये ज़्यादा ये था कि बाहर निकलें, तो आपने उनके मशवरे को तरजीह दी अपनी ज़ाती राय पर। ये देखिए, अच्छा अब देख लीजिए जमहूरियत में आप देखें, यानी बहुत सी चीज़ें जमहूरियत में अच्छी हैं इसलिए फैसला को अंदाज में, और बहुत सी चीज़ें जमहूरियत में इंतहाई बुरी हैं जो शिर्क तक जाती हैं। दोनों बातें तो आप देखें, मैंने जो मिसाल दी है ग़ज़वा अहद के वाले से, देखिए कि किस तर्ज़ हुकूमत में सबसे ज़्यादा मशवरा होता है। ठीक है बादशाह मशवरा करते थे बिल्कुल, लेकिन वो बादशाह अपनी मर्ज़ी से मशवरा करते थे, करें करें ना करें ना करें। यहाँ जमहूरियत में मशवरा लाजम है, लाजमन किया जाता है मशवरा। मैं पाकिस्तान की जमहूरियत की बात नहीं कर रहा, जमहूरियत जो है उसमें सबसे ज़्यादा मशवरा होता है। देखिए ना, लिहाजा आप ये नहीं कि जमहूरियत के अच्छाइयों को आप शुराइयत के निज़ाम में लाइए। हाँ नहीं, आप उसमें तो दोबारा गौर करें जो ग़ज़वा उहद की मिसाल दी बेग साहब ने, ग़ज़वा उहद के बाद ही यानी उस फैसले के नतीजे में मुसलमानों को हज़ीमत उठानी पड़ी वक्ती तौर पर, और उसके बाद भी जो आयात नाजिल हुई हैं उसमें बजायज़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अगर ये मतलब माज़ अल्लाह हम कह सकते हैं कि ख्याल आया हो कि ये मशवरे में जो फैसला हुआ उसके बारे, तो दोबारा हुक्म दिया गया वह शामिल हूँ फिल अम्र। इसके बावजूद के उस मशवरे के नतीजे में उसका जो नतीजा बरामद हुआ है वो एक पसंदीदा नतीजा नहीं बरामद हुआ, लेकिन उसके बावजूद हुक्म क्या दिया जा रहा है कि आप इनसे मशवरा कीजिए, इनसे मशवरा शामिल कीजिए। लिहाजा इस्लाम का जो मिजाज है वो शुराई है, मशवरा का है निज़ाम। मशवरा तो बादशाह भी किया करते थे, हम कह रहे हैं ना जी बादशाह थी पहले, अब जमहूरियत आ गई है, बादशाह मुतलक़ुल इनान हुक्मरान ज़रूर होता था,
ویٹو پاور اس کے پاس ہوتی تھی, لیکن اس کے بھی بڑے درباری ہوتے تھے, 5,000 10,000 جن سے وہ مشورہ کیا کرتا تھا. فرعون بھی اس مشورہ کرتا تھا کہ میں موسیٰ کے ساتھ کیا سلوک کروں. ملکہ سبا نے ہی مشورہ کیا, ملکہ سبا نے ہی مشورہ کیا. تو شورائی نظام جو ہے وہ تو دراصل کسی بھی طرز حکومت کی بات ہو رہی ہے, تو طرز حکومت ہے. آج کل وہ طرز حکومت کرپٹ ہو گیا ہے, اس جمہوریت کو اتنا کرپٹ کر دیا, خاص طور پاکستان کا طرز حکومت کرپٹ, سرمایہ دارانہ نظام نے اس جمہوریت کو کرپٹ کرپٹ کر دیا. ٹھیک ہے, کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر اسلام کا جو اسلامی جمہوری نظام یا اسلام کا شورائی نظام یا جسے ہم نظام خلافت کہہ دیں, تو آپ کے مشورے کرنے والے ایسے پولیٹیشین نہیں ہوں گے, پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے جو سینٹ کی ٹکٹیں بھی بک رہی ہیں, ادھر بھی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, سارا کچھ, یہ جو سٹف ہمارے سامنے اس وقت پولیٹیشنز کا آیا ہوا ہے, کوئی ایک کوالیفائی کرتا ہے الا ماشاءاللہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کہیں بھی ایک دم اوپر سے نافذ نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ آئے اور کہہ دے میں آ گیا ہوں اب سب اسلام ہے. یعنی اس کے لیے بھی آپ کو پہلے لوگوں میں اویئرنیس کے علاوہ تزکیے کا معاملہ کرنا پڑے گا. لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا, انہیں اچھائی کی طرف وہ راغب ہوں اور برائی سے وہ نفرت کریں. جب تک بنیادی طور پر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ یہ چیز میرے ضمیر کے خلاف ہے, اس بات کو میرا دین اجازت نہیں دیتا,